जय श्री राधे। श्री राधा कृष्ण भक्ति मार्ग को अनुसरण एवं प्रचार समस्त वैष्णव धर्मावलम्बी को आदर्श हो। यस्तो सर्वश्रेष्ठ मार्गलाई अपनाउनु प्रत्येक जीव का लागि परम सौभाग्य को कुरा हो। यस परम उज्ज्वल मार्ग को अनुकरण गर्दै सुश्री शक्तिश्वरी देवी हामी जनसाधारण को बीच में बसेर भगवत भक्ति को प्रचार गरिरहनु भएको छ। जगत गुरु श्री कृपालुजी महाराजलाई गुरु रूप में प्राप्त गरी गुरु को परम दुर्लभ एवं अनुग्रहपूर्ण सानिध्य प्राप्त गरी वहाँ आफूलाई परम भाग्यशाली ठान्नुहुन्छ। ब्राह्मण कुलमा जन्म लिनुभएकी सुश्री शक्तिश्वरी देवीजीले विज्ञान विषयमा स्नातक उपाधि प्राप्त गर्नुभई वाणिज्य शास्त्रको स्नातकोत्तर परीक्षामा प्रथम श्रेणीमा प्रथम स्थान प्राप्त गर्नुभएको छ। तत्पश्चात भगवानको जिज्ञासाले एवं गुरुको कृपाले श्री गुरुचरणमा समर्पित भएर श्रीधाम वृन्दावन एवं वर्सानामा दुई वर्षसम्म गुरुको निर्देशन अनुरूप साधन भजन गर्नुभयो। पश्चात ब्रजेन्द्र नन्दन भगवानको असीम कृपा एवं आफ्ना गुरुदेवको निर्देशन अनुसार उहाँले आध्यात्मिक ज्ञानको प्रचार सेवा प्रारम्भ गर्नुभएको हो। उहाँको अलौकिक एवं मार्मिक प्रवचनको सार तत्व श्री राधाकृष्ण प्रेमको अद्वितीय निरूपण एवं भगवानप्रति अनुराग बढाउनु हो। यसका साथै उहाँले जगतगुरु श्री कृपालुजी महाराजका दिव्य वाणीलाई जनसाधारणसम्म पुर्याउने कार्य गरिरहनु भएको छ। विगत 10 वर्षदेखि आजसम्म देवीजीले नेपालको विराटनगर, जनकपुर, जलेश्वर, मलङ्गवा, लहान, चन्द्रनिकापुर, हेटौँडा, नारायणगढ, बुटवल, भैरवा, नेपालगञ्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर, सुर्खेत र वीरतामोड आदि स्थानमा प्रवचन दिँदै आउनुभएको सबैमा विदिँदैछ। देवीजीको अनौठो प्रवचन शैलीले देशका नरनारीहरूलाई चमत्कृत गराइसकेको छ। भावुक सत्सङ्गीहरूको आग्रह अनुसार प्रचारको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै विराटनगरमा प्रचार केन्द्रको रूपमा मन्दिर एवं आश्रमको निर्माण भयो। यो मन्दिर र आश्रम जो श्रीजी रसिकेश्वरी मन्दिरको नामले प्रख्यात छ, यहाँ विगत 3 वर्षदेखि अनेकौं चाड पर्व एवं नित्य प्रतिको कीर्तन सत्सङ्ग कार्यक्रमद्वारा अनेकौं जीव श्रद्धायुक्त भएर भगवत लाभ प्राप्त गरिरहेका छन्। अब आउनुहोस्, हामी पनि सुश्री शक्तिश्वरी देवीजीको श्रीमुखबाट अलौकिक प्रवचन एवं रसमय पद संकीर्तनको श्रवण गरौं। तो इस संबंध में हमें एक उदाहरण से समझना होगा। जैसे सूर्य है तो सूर्य के बहुत अधिक प्रकाश है, चंद्र से 400 गुना बड़ा सूर्य होता है, इतना अधिक जिसका प्रकाश है, अब उस पर अंधकार हावी नहीं हो सकता। भाई इतना बड़ा प्रकाश है, इतना बड़ा वो अग्नि भी प्रदान करता है, प्रकाश भी प्रदान करता है, वो सूर्य है, उसको अंधकार घेर नहीं सकता। लेकिन उस सूर्य की एक किरण है पतली सी, उस किरण पर अंधकार हावी अवश्य हो सकता है। वो किरण है तो अंश उस सूर्य का, लेकिन वो सूक्ष्म है, अल्प है, यानी उसमें अल्प प्रकाश है। और सूर्य तो सूर्य है, महाप्रकाश है, महाप्रकाश, उस पर अंधकार हावी नहीं होगा। जैसे कोई बर्तन होता है तो वो बर्तन के अंदर भी प्रकाश है। नया बर्तन लाओ स्टील का, अब वो ये चमचमा रहा है, हाँ भाई ये भी सूर्य की थोड़ी बहुत रोशनी है इसमें, ये चमचमक एकदम चमचम कर रहा है। अब माजा अच्छे से रख दिया कमरे में, कमरा बंद करके चले गए, जब कमरा खोला तो बर्तन दिखा नहीं और उसी पर पैर पड़ गया, लुढ़क कर गिर गए।
भाई ये बर्तन भी है तो अंश प्रकाश का, दिखा कैसे नहीं है तो, लेकिन अणु है, कम प्रकाश वाला है। तो इसी प्रकार भगवान सूर्य सम है और ये जीव है किरण के समान, उस सूरज की एक पतली किरण। और माया है, माया तो अंधकार रूप है, अंधकार। तो ब्रह्म सूर्य है श्याम जो जीव किरण अनुहार, देवी माया गुणमयी जानू रूप अंधियार। ब्रह्म श्याम है सूर्य सम, यानी श्री कृष्ण सूरज की रोशनी है, विभूचित महाचेतन महाप्रकाश बृहद वृहच्च तद्दिव्य मच्चिंत्य रूपम। और जीव है किरण अनुहार, जैसे एक पतली किरण है सूरज की। अब ये देवी, ये माया है तो देवी शक्ति, भगवान की शक्ति, लेकिन अंधकार स्वरूप है। इसने उस अणु चित्त को दबा दिया, उसको उस पर हावी हो गई, इसलिए वो विमुख हो गया भगवान से। और ये कभी हावी हुई ऐसा नहीं है, ये सदा से हावी है ये माया। ध्यान दो, ऐसा नहीं कि किसी दिन हम माया के अधीन हो गए और पहले कभी हम दिव्य थे या हमको भगवान की शक्ति प्राप्त थी, हम स्वयं भगवत प्राप्ति कर चुके थे और किसी दिन हमको माया लग गई। अरे ये क्या बात हुई। एक बार अगर भगवत शक्ति कोई प्राप्त कर ले, अनंत काल के लिए सदा पश्यन्ति सूरय तद विष्णोः परमं पदम्। सुबाल उपनिषद कहता है एक बार भगवान की शक्ति प्राप्त हो जाए, अनंत काल के लिए वो जीव कृत कृत्य हो जाता है, माया से सदा के लिए बरी बरी फ्री हो गया। लेकिन ये माया सदा से थी, आज भी है और माया सदा रहेगी। हमको उस माया से छुटकारा पाना होगा। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो हमको उससे फ्री होना पड़ेगा। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं करते तब तक ये माया हम पर हावी ही रहेगी और ये भगवान की ही शक्ति है। अब चलिए एक और विचारणीय बात कि ये भगवान और जीव और इनकी लीला वेदों में जैसा बताया कि हमारे अंतःकरण में भगवान बैठे हैं और उस अंतःकरण में जीव के साथ हर क्षण हर कर्म में साथ देते हैं, चलते हैं साथ, और हर जन्म में साथ जाते हैं, मृत्यु के बाद भी साथ जाते हैं। तो भाई भगवान तो आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात, वो तो स्वयं आनंद है। लेकिन ये जीव जब तक माया के अंडर है ये दुखी है, अशांत है, अतृप्त है, टेंशन है इसको, टेंशन। तो क्या भगवान जो हमारे हृदय में बैठते हैं क्या वो भी दुखी हो जाते हैं हम लोगों के समान? हमारा दुख देखकर या हम दुख की फीलिंग करते हैं, क्या उसी दुख से वो भी दुखी होते हैं? भाई हमारे ऊपर तो त्रिगुण त्रिदोष पंच कोश पंच क्लेश हावी है। ये पंच क्लेश क्या है?
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांच क्लेश कहलाते हैं, मनुष्य शरीर पर हावी हैं। अविद्या यानी अज्ञान, पूरा ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, अल्प ज्ञानी है, थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ और बस चल रहे हैं अटल पच्चू हिसाब से, तो अविद्या। दूसरी अस्मिता, अस्मिता भी एक क्लेश है हमारे ऊपर पंच क्लेशों में, अहंकार, मैं का अहंकार, इसे अस्मिता कहते हैं। ये सब जीवों में है जब तक वो भगवत प्राप्ति न कर ले, और भगवत प्राप्ति के उपरांत ये मैं रहेगा, लेकिन ये उनका दास बनकर रहेगा, स्वयं स्वामी बनकर नहीं रहेगा। अभी तो जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई तब तक मैं कौन, अरे मैं मालिक, मैं अपने मन बुद्धि का खुद मालिक हूं, कोई मेरा मालिक नहीं है। नहीं मानते गुरु हैं, हाँ ठीक है गुरु हैं, लेकिन अगर गुरु ऐसा बोलेंगे तो हम छोड़ के चले जाएंगे, नहीं मानेंगे हम गुरु को। अस्मिता है यानी हम टोटली पूरी तरह आश्रित नहीं मानते अपने आप को, जबकि हम भगवान पे आश्रित हैं, हर सेकंड भगवान पर आश्रित हैं। एक सेकंड के लिए अगर भगवान अपनी शक्ति वापस खींच लें तो कान सुन नहीं पाएंगे, कान रहेंगे लेकिन सुनने की शक्ति माइनस। अब लगा लो यंत्र पे यंत्र, ऑपरेशन करवा लो, सुनाई नहीं पड़ता क्योंकि भगवान ने शक्ति माइनस कर दी। अब ये बक बक करती है जीभ, जो संसारी प्रपंच गुणगान नहीं गाती भगवान के, आए गुस्सा भगवान को किसी दिन, बहुत बक बक करती है, निकाल दो इसकी शक्ति। अब माइनस कर दिया जिह्वा की शक्ति भगवान ने, अब वो लुप लुप करती है जीभ लेकिन आवाज नहीं निकल रही। क्या बात है भाई, अरे भगवान ने शक्ति खींच ली, बहुत बोलते थे ना हम लोग, भगवान ने शक्ति विड्रॉ कर ली। यानी हम हर पल भगवान के आश्रित हैं, एक सेकंड को अगर ये प्राण शक्ति खींच ले भगवान, सांस रुक जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। हर सेकंड हमको शक्ति मिल रही है भगवान की, और तब भी अहंकार है, मैं कुछ हूं। और महापुरुषों का यही मैं रहता है भाई, ये खत्म समाप्त नहीं हो सकता जीव का, ये मैं रहेगा लेकिन ये दास बनकर रहेगा। दास भूता हरे रेव नान्यश्चैव कदाचन, दास भूत मिदं तस्य जगत् स्थावर जंगमम्। श्रीमन्नारायण स्वामी जगतां प्रभुरीश्वर। वो अहंकार करेगा किस बात पर, गर्व करेगा, मैं भगवान का सेवक हूं, मैं भगवान का दास हूं, इस बात पर वो अपना मैं दिखाएगा। तो ये पंच कोश पंच क्लेश, ये दो हमने बताए, अविद्या अस्मिता राग द्वेष, ये तो आप बखूबी जानते हैं। राग यानी अनुकूल भाव का अटैचमेंट किसी और जीव में, द्वेष यानी प्रतिकूल भाव का अटैचमेंट किसी और जीव में। ध्यान दो, ये द्वेष भी अटैचमेंट है, ये नेगेटिव भाव से है, लेकिन बार बार चिंतन करते हैं उसी का, कौन दुश्मन, हाँ दुश्मन ने ऐसा किया, उसका ऐसा करना चाहिए, बार बार उसे अपने मन में लाते हैं,
तो ये भी अटैचमेंट है। और एक अभिनिवेश, ये भी पंचकोश पंच क्लेश है, मृत्यु का भय, अरे हम मर जाएंगे, मृत्यु का डर, ये सब जीवों में है। ये समाप्त नहीं होगा जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी, नहीं समाप्त होगा। आप लोग कहते हैं ना, अजी नहीं, हम नहीं डरते जी मरने से। नहीं डरते, अभी यमदूत आके खड़े हो जाए तब समझ आएगा कि कैसा डर होता है। एक लकड़हारा था बूढ़ा, बहुत परेशान हो गया एक दिन लकड़ी काट काट कर, गरीब था बेचारा, थक गया और परिश्रम से बिल्कुल। तो उसने अपने लकड़ का गट्ठर नीचे फेंक दिया और जोर से चिल्लाने लग गया, अरे इतना परेशान हूँ, ए मौत, तू भी आकर मुझे नहीं पूछती, कहीं मर जाऊं तो छुट्टी हो। यमराज ने ये बात सुन ली, तुरंत आकर सामने खड़े हो गए यमराज। वो डर गया, सकपका गया, उनका रूप देखकर ही कांप गया। भाई तुम कौन? हम यमराज हैं, तुम कह रहे थे ना मौत, तू भी हमें नहीं पूछती, तो हम तुम्हें पूछने आए हैं। हम अपने सर्वेंट को नहीं भेजा, यमदूतों को नहीं भेजा, तुमको लेने हम खुद आए हैं। लकड़ारे ने कहा, नहीं नहीं माफ करो महाराज, वो तो ऐसे ही, अरे ऐसे ही नहीं, वो थोड़े परेशान हो गए थे ये सब काम से, लेकिन हम मरना नहीं चाहते। मरना नहीं चाहते तो क्यों बोले थे? अरे अभी मरेंगे तो कैसे चलेगा, अभी तो हमारे लड़का है, उसके बच्चे हैं, नाती पोते हैं, अभी सब बच्चे हैं, अभी तो सब कमाई करना तक नहीं सीखे, अभी हम उन्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं, अभी हम मरना नहीं चाहते। अगर कोई कहे कि हमें डरने का भय नहीं है, डर नहीं है, एक्टिंग में जरा उसके गले पे अपना हाथ रख दो और दबाओ जोर से, फिर उससे पूछो कि क्या डर है अब, अरे छोड़ो छोड़ो क्या कर रहे हो, अरे तुम ही तो बोल रहे थे हम डरने मरने से नहीं डरते, तो हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं कि देखें तुम कितना डरते हो, तो सब सच्चाई बाहर आ जाएगी। यानी ये सब पंच क्लेश हम सब पर हावी है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो हम इन सब से जो दुखी हैं, क्या भगवान भी इसी प्रकार दुखी होते हैं हमारे अंतःकरण में बैठकर? भाई वेदों ने बताया है कि भगवान पूरा पूरा साथ देते हैं जीव का। समाने वृक्षे पुरुखो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमान। जैसे कोई पेड़ की डाल पे दो पक्षी एक साथ बैठे हों, उसी प्रकार हमारे हृदय में भगवान और हम दोनों साथ साथ बैठे रहते हैं। और तो और मरने के बाद भी वो परमात्मा हमारे साथ जाते हैं। प्राज्ञेनात्मा नान रूढ़ उत्सर्जन याति, प्राज्ञेनात्मनान वा रूढ़। यानी वो परब्रह्म परमात्मा उत्सर्जन याति, जब हम शरीर छोड़ के जाएंगे, मैं जीवात्मा, उसके साथ साथ परमात्मा जाएंगे। इतना साथ निभाते हैं भगवान हमारा। तो भाई हम तो दुखी हो जाते हैं ये सब पंच क्लेश से, पंच कोशों से, तो भगवान भी बैठ के दुखी होते होंगे ना? भगवान दुखी नहीं होते। प्रकाशादेवत न एवं परः, सूत्रों में बताया गया कि भगवान कभी दुखी नहीं होते, वो निर्लिप्त होकर चलते हैं
इस जीवात्मा के साथ साथ चलते हैं, लेकिन इस जीवात्मा के कर्मों में लिप्त नहीं होते। न लिप्यते कर्म फलै पद्म पत्रमिवाम्भसा। जिस प्रकार किसी कमल के पत्ते पर एक बूंद डालो पानी की, तो वो पानी की बूंद उस पर रहती तो है, लेकिन वो धड़कते धड़कते उससे बाहर निकल जाती है, यानी उस पे चिपक नहीं जाती। बस उसी प्रकार भगवान है अंदर, लेकिन निर्लिप्त होकर जीते हैं। अब ये समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि हम सब की देह इंद्रिय बुद्धि है। हमको जो शरीर पर अनुभव होता है, वही दुख हम अपनी आत्मा का भी मान लेते हैं। आत्मा से भी उसी प्रकार हम दुखी हो जाते हैं, शरीर के कष्ट को भोग कर या शरीर के नातेदारों को कष्ट को देख कर। लेकिन भगवान भगवान है, वो सब कर्म करते हुए भी इनमें लिप्त नहीं होते, क्योंकि उनकी देह इंद्रिय बुद्धि नहीं है। ये सब इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं, परमात्मा भगवान निर्लिप्त होकर चलते हैं। इसी प्रकार महापुरुष लोग भी समस्त कर्म करते हैं, लेकिन निर्लिप्त होकर किसी दुख में पूरे घुस नहीं जाते, दुखी नहीं हो जाते। प्यारी प्यारी।
भा